Hello everyone, I hope all of you are doing well and I would like to welcome all of you in our family of LDT, that's Let's Dream Together. So, आज की session में हम opening करने वाले हैं एक question से और question है आप सभी के लिए सॉरी आप सभी को लगा होगा मेरे को हिकअप्स आ रही है बट ऐसा नहीं है. क्वेश्चन है कि हमें हिचकियाँ क्यों आती है. सो बताइएगा एंड ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैट हमें हिकअप्स क्यों आती है और क्या आपको भी लगता है कि हिकअप्स जो है जब हमें कोई याद कर रहा होता है तो आती हैं. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, साइंटिफिक रीज़न होता है, उसको सर्च कीजिए और बाकी सब तो मोहमाया है ही, याद करने पे कोई भी हिकअप्स नहीं आती हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज हम देखेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स घास फूस खाते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. जो ग्रास होती है सबसे पहले वो अपने मुंह में लेंगे, ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट जो है उनके स्टमक में जाती है और उनका स्टमक जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. सबसे पहला पार्ट होता है र्यूमन, ठीक है. यहाँ पे ग्रास डायरेक्टली जाएगी और वो यहाँ पे उसका पार्शली डाइजेशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा पूरा डाइजेशन नहीं होगा, आधा अधूरा डाइजेशन हो जाएगा और उस डाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं कड. फिर ये कड जो होती है दोबारा रेटिकुलम पार्ट में आती है और फिर रेटिकुलम से वंस अगेन ये उसके माउथ में दोबारा से आ जाती है और यहाँ पे फिर वो दोबारा उसको चबाना शुरू करता है. इसीलिए हमें लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो हर टाइम जुगाली क्यों करते हैं, तो इसी उसका यही रीज़न है कि उनका जो खाना है पहले पेट में हल्का फुल्का डाइजेस्ट होता है और फिर टुकड़ों में लंप्स बनके उनके मुंह में वो आते रहते हैं, उनको चबाते रहते हैं और उस चबाने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन प्रोसेस. और ये रूमिनेशन प्रोसेस जिस एनिमल्स में होता है उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, एग्जाम्पल काउ, बेफेलो, हॉर्सेस एंड रैबिट्स. अब वो दोबारा माउथ में आ चुका है, ठीक है. अब वो माउथ में आने के बाद फिर से वो स्टमक के पार्ट में जाता है जिसको हम बोलते हैं ओमेसम. ओमेसम में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना उसमें से एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है एक्सेस वाटर की. अब वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद वो जाता है एबोमेसम में. यहाँ पे फिर से उसका रीडाइजेशन होता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, दोबारा न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है और फिर लास्ट एक पार्ट होता है जिसका नाम है सीकम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. तो सीकम में जो डाइजेस्टेड फूड है वो जाता है और यहाँ पे उसका फर्दर डाइजेशन होता है और मेनली सेलुलोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है सीकम पार्ट में. और यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. किसके डाइजेशन में, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. तो ऐसे इस प्रकार से जो है डाइजेशन होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कड क्या होता है. कड पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो कि र्यूमन में बनता है और फिर उसके बाद माउथ में जब वो दोबारा आता है और उसकी जुगाली जब करते हैं भैंस, गाय, हॉर्सेस और रैबिट्स, उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं और एनिमल्स जो फॉलो करते हैं उनको रूमिनेंट्स बोलते हैं. एंड वन लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आ सकता है कि सेलुलोज का डाइजेशन किस पार्ट में होता है, तो ये होता है सीकम पार्ट में. किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब.